इम्पोर्टेंट क्लास है क्योंकि टेंथ में ना पता है लड़कियों के इतना तीन तीन के ग्रुप होते हैं, याद कर लो, एक खूबसूरत, दो एवरेज। एवरेज वाली की दो अंडर एवरेज, अंडर एवरेज वाली की सुपर अंडर एवरेज, उसके नीचे अगली, अगली के नीचे सुपर अगली। इट्स लाइक अ मल्टी लेवल मार्केटिंग चेन, इट्स नेवर एंडिंग, इट जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। तीन तीन के ग्रुप होते हैं और इनके आपस में बनती बनती कुछ नहीं, ठीक है। जब तक मेरे को एहसास हुआ कि यार लाइफ में कुछ होना चाहिए, तब तक क्या पहली वाली लाइन तो जा चुकी थी। अच्छा यार, मैं लड़कियों को, आपको मैं क्लैरिटी दे दूं कि अगर आपको लगता है कि लव एट फर्स्ट साइट नाम की कोई चीज़ होती है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है। जैसे चीता होता है ना, हिरन का झुंड है कोई जैसे, तो जिस लॉजिक से वो शिकार करता है, हम भी उसी लॉजिक से लड़कियां चुनते हैं, और उस लॉजिक का नाम है सबसे पहले कौन सी मिल सकती है। देखो, कल का ताजमहल मत बताओ, आज का झुमरी तलैया बताओ किधर है। तर अब ऐसे करके ना, एक आधी लड़कियों ने जीरो डाउन करी, मैंने कहा ये वाली सही है, इसको अपन सेट कर लेंगे। धीरे धीरे फोन पे बात करी, वैसे अब टेंथ में मैंने सब सेट कर लिया, सब कुछ सही था, जिंदगी सेट हो चुकी थी, ठीक है। लड़की सेट होने वाली थी कि एग्जाम खत्म हो गए। 11th में जैसे ही पहुंचे वैसा, तो मेरे को लगा कि यही वाला जो फ्रेंडशिप डे, ये बनेगा मेरा वैलेंटाइन। तभी एक न्यूकमर आता है, ये लड़का गिटार बजाता है। म्यूजिक से नफरत है मुझे, गाने थोड़ी सुनता हूँ। जो भी आदमी गिटार बजा गाने गाता, मैं नहीं सुनता। पर बता, देखो मतलब मेरा दिल टूटा, बुरा लगा मुझे। लेकिन एक बात है, हम लड़के कभी डिप्रेशन में नहीं जाते, छोटी उम्र में तो बिल्कुल नहीं जाते, जब तक हमें शराब से हमारा इंट्रोडक्शन नहीं होता ना। तब यार हमें एक्चुअली इतना बुरा लगता नहीं है, हमें लगता है अभी सब मान जाएंगे, तो हम ना ऐसे पीते रहते हैं। ऐसे पीने का इजी ऑप्शन है वो, मतलब ऐसा है कि सोशली एक्सेप्टेड, यार अगले का ब्रेकअप हुआ है और उसे पीने दो, तो हम उस फील को बनाए रखते हैं, भाई मेरे साथ बड़ा बुरा हुआ है, ओल्ड मॉक ला देगा। क्योंकि पता है हमको, मालूम है यार आठ आठ थोड़ी लेके घूमेगा, कभी ना कभी तो टूटेगी। अच्छा, तो अब क्या होता है, आप ऐसे ही लड़के से, इससे टूटी हुई एक लड़की को मैं मना रहा हूँ, और ये सिर्फ सिर्फ लड़कियों से बात करूंगी, अगर तुमने सुना है तो प्लीज गिव मी अ चेयर, और ये झूठ है सारी बात है, ठीक है। तो हर लड़का कहता है कि दीप्ति, मैं नाम नहीं लेना चाहता था, सॉरी, तुम मुझसे प्यार नहीं करती, कोई बात नहीं, लेकिन तुम मुझे प्यार करने से रोक तो नहीं सकती हो ना। पता है तुम बिल्कुल ना चाइनीज डॉल की तरह लगती हो, मेरा बस चले तो मैं तुमको फ्रेम करा के रख लूं अपने घर में। पता है मैं कभी कभी क्या सोचता हूँ कि कभी रात को तुम मेरे घर में हो, मेरे कमरे में, और मैं तुम्हें बस रात भर देखूं, ये बेचारी गरीब लड़की सेट होने के बाद इसकी जिंदगी के आधे डायलॉग ही होते, छोड़ो ना कोई आजकल।